फलोदी में 3.5 किलो अफीम बरामदगी मामले में नया मोड़ आ गया है। उक्त मामले में अफीम के साथ पकड़े गए युवक को झूठा फंसाया गया था। जांबा पुलिस व जिला स्पेशल टीम ने बाड़े में अफीम रखकर झूठा फंसाने के मुख्य आरोपी सुनील विश्नोई निवासी प्रेमनगर कुशलावा थाना लोहावट को गिरफ्तार कर लिया है। अब पूर्व में गिरफ्तार किए गए आरोपी मनोज कुमार को सीआरपीसी की धारा 169 के तहत न्यायालय से रिहाई करवाई जाएगी। जिला पुलिस अधीक्षक हनुमान प्रसाद ने बताया कि 7 जनवरी को फलोदी पुलिस द्वारा मनोज कुमार विश्नोई निवासी सांबरीज हाल निवासी इंदिरा कॉलोनी फलोदी के रहवासी मकान परिसर में बने बाड़ा से 3 किलो 550 ग्राम अवैध अफीम बरामद कर उसे गिरफ्तार किया गया था। आरोपी के विरुद्ध NDPS एक्ट के तहत ममाला दर्ज कर जांच जांबा थानाधिकारी सुरेश विश्नोई द्वारा शुरू की गई। जांच मने सुनील स्वयं अवैध मादक पदार्थ की तस्करी करना ज्ञात हुआ है। अंबेडकर सर्कल पर स्थित होटल पर एवं फलोदी कस्बा में छोटी छोटी पुड़ियों में युवाओं छात्रों एवं आतन नशेड़ियों को अफीम बेचता है। अवैध मादक पदार्थ की सप्लाई में रोड़ा नहीं बनने के निजी स्वार्थ से मनोज कुमार के रहवासीय परिसर में मिलावटी मादक पदार्थ रख दिया था। थाना फलोदी पर एक NDPS का प्रकरण दर्ज हुआ था जो आपके सामने है कि 7 तारीख को हमें इंटेलिजेंस की जहाँ अफसर है उनसे हमें इतना मिली थी कि मनोज कुमार विश्नोई है उसके मकान के जो पीछे बाड़ा बना हुआ है उसमें करीबन काफ़ी मात्रा में अफीम रखी हुई है, आप कार्रवाई करें। उसी इतला पर हमारी पुलिस द्वारा कार्रवाई की थी और करीबन 3.5 किलोग्राम मादक पदार्थ वहाँ से जब्त किया गया था। क्योंकि जो हमारी टीम ने वहाँ पे जब दबिश दी थी तो हमने कुछ इस तरह के और उसमें हमने मनोज कुमार को वहाँ से गिरफ्तार किया था। उसके बाद शुरू से हमें कुछ संदेह इसमें रहा था कि ये इस तरह की जो जहाँ पे अफीम मिली थी वो जगह हमें थोड़ा सस्पेक्ट लग रही थी। उसमें हमने गहनता से अनुसंधान किया और जो कथित जो मुलजिम था मनोज कुमार उससे भी हमने पूछताछ की तो उसने साजिश के बारे में बताया कि शायद मेरे को इसमें साजिशन इसमें फंसाया गया है। उसी पर हमारे ऐसे जो जांबा द्वारा जो प्रकरण की तफ्तीश इसमें की जा रही थी तो उन्होंने इसमें गहनता से अनुसंधान किया और सारा जो इसमें पटाक्षेप किया है इसमें और जो साजिश करता है सुनील कुमार विश्नोई जो अम्बेडकर कॉलोनी में यहाँ पे रहता है उसका मकान है उसको हमने इसमें गिरफ्तार किया है। और पूछताछ में जो हमने साक्ष्य जो एकत्र किए हैं उसमें एक कहानी सामने